है फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका दोस्त खान सर आपके सामने हाजिर है अपना नया एपिसोड लेकर, और इस बार ट्रिगो थ्री लेकर। दोस्तों, ट्रिगो थ्री पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रिगो वन और ट्रिगो टू ये भी दोनों मैंने बनाया है, और उसमें मैंने सारे बेसिक्स जो है वो उसमें डाल दिए हैं। बेसिक्स में जैसे कि ऑल सिक्स रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मैंने पूरे सिक्स रेशियोज डाला है दोनों के लिए, मीन्स एंगल ए के भी और एंगल बी के भी दोनों के डाले हैं। और उसके बाद जो है सिक्स रेशियोज के अलावा मैंने टोटल 15 आइडेंटिटीज वो मैंने पूरी उसमें बता दिया था। अब उसके बाद बची हुई जो आइडेंटिटीज है वो 8 आइडेंटिटीज और है, वो मैं आज आपको अपने इस एपिसोड में बताऊंगा। और दोस्तों, फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सारा जो मेरा वीडियोस है वो आपको पहले एकदम शुरुआत में आपको दिख जाए, जैसे मैं अपलोड करूं और आपको वो वीडियो दिख जाए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप जो है मेरे वीडियोस को देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं कि ये जो हमारे सामने ट्रायंगल है ACB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं 6-7 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते चले आ रहे हैं किसके बारे में, पाइथागोरस के बारे में। यस, पाइथागोरस आपको पता है कि इसके ऊपर हम पाइथागोरस फॉर्मूला भी यूज करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस क्या है, हमें पता है दैट इज BC² प्लस AC² इज इक्वल्स टू AB² ये है आपके सामने पाइथागोरस का फॉर्मूला। अगर हम इस पाइथागोरस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम इस पाइथागोरस के फॉर्मूले के बेस पर हम आगे के और 6 फॉर्मूलाज जो है वो इसमें बना पाएंगे, इजीली हम जो है और फॉर्मूले को कर पाएंगे। देखिए आपके सामने है, अगर हम AB से सबको डिवाइड कर देते हैं, इफ वी डिवाइड बोथ द साइड्स विद AB² अगर हम AB² से सबको डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, BC/AB आपके सामने है, BC/AB आप देख सकते हैं, BC/AB जो है वो साइन होता है, इसका मतलब है sin² θ प्लस, और AC/AB आपके सामने है cos, यानी cos² θ इज इक्वल्स टू, यदि अब आप देख रहे हैं ये AB² / AB² ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने ये फॉर्मूला बड़ा इजीली हमने बना दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 16 आ गया जो हमने बड़े इजीली बना दिया। इसमें हम इसी को दो फॉर्मूलाज में और यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लस कॉस स्क्वायर का साइड चेंज करते हैं वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यही रखते हैं और साइन का साइड चेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है cos² θ इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin² θ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये AB को हमने मतलब AB² से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज आए। अगर हम इस AB के जगह अगर हम यहाँ पर अब AC से डिवाइड करते हैं, AC² यानी अब हमारा जो डिवीजन है वो AB की जगह AC से होता है। तो देखिए हमारे पास इस नए फॉर्मूले से क्या बनता है, हमारे पास देखिए आता है BC/AC। तो यहां पर देखिए BC/AC क्या हो रहा है, ये tan square हो रहा है।
और आप देख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी क्या है, सेक है, तो हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो एकदम सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, इतना इजी फॉर्मूला है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन को यही रखकर टेन स्क्वायर थीटा यही रखते हैं और sec square theta और प्लस का साइन चेंज करते हैं तो माइनस वन हो जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan square theta is equals to sec square theta minus one। इसी को ध्यान में रखकर अगर हम यहां पर इसको अब हम BC से डिवाइड करते हैं, BC square से अगर हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं तो देखिए अब आपके सामने क्या बन रहा है, BC सेम ऊपर नीचे आ गया और यहां पर AC अपॉन BC हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC आपके सामने क्या नजर आ रहा है, cot। तो ये हो जाएगा cot square theta is equals to AB upon BC, AB upon BC जो है वो cosec बन रहा है, तो ये बन जाएगा cosec square theta। तो इस तरह से आपने देखा 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। अगर हम इसी को चेंज कर सकते हैं, cot square theta is equals to cosec square theta minus 1। तो देखिए कल मैंने आपको लास्ट के एपिसोड में 15 फॉर्मूलास, 15 इसके आइडेंटिटीज मैंने आपको बताए थे। आज उसके आगे की मैंने आपके सामने जो है 1 2 3 4 5 6 7 आइडेंटिटीज मैंने आपको आज यहाँ पर एक और सिखा दी है। इसके अलावा भी 2 आइडेंटिटीज हैं, वो भी आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद की 2 आइडेंटिटीज जिसमें हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से तो हमारे पास क्या आंसर आता है, साइन थीटा यानी आपके सामने है बी सी अपॉन ए बी, और अगर हम डिवाइड करते हैं कॉस थीटा जो कि है ए सी अपॉन ए बी, तो एज पर रूल हम अगर डिवीजन का रूल चेक करते हैं तो हमारे पास बन जाता है, देखिए आपके सामने है कि ए बी कैंसल हो जा रहा है, हमारे पास बच रहा है बी सी अपॉन ए सी। तो आप देख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी यहाँ पर क्या है, तो वो है टेन थीटा। तो हम बड़ा इजीली बता सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। आप इजीली समझ गए होंगे, सिर्फ डिवाइड किया है, और अगर हम उल्टा डिवाइड करते हैं यानी कॉस से अगर साइन को डिवाइड किया जाता है, यानी अगर हम लिखते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह टेन का भी उल्टा हो जाएगा और बन जाएगा कॉस थीटा। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें बड़ी आसानी से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा टोटल फॉर्मूलास, मैंने आपको सिर्फ दो वर्ड्स ओ आ इस दो वर्ड के ऊपर मैंने आपको टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री के टोटल आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया, और टोटल जो है उसके जितने रेशियोज हैं वो मैंने आपको बताया। नॉर्मली लोग समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा साथ देते हैं, आपस में फ्रेंड्स मिलकर बैठते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, जितना अच्छा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, आपके सामने पूरा मैंने आपको टोटल ट्रिग्नोमेट्री के ऑल 24 फॉर्मूलाज यानी कि आइडेंटिटीज और साथ में रेशियोज मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है।
चीज आप उसको ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए कि हम अच्छे से अच्छा उसको सीख जाएं, प्रैक्टिस कर ले। और ये ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको अभी रेशियोज और आइडेंटिटीज बताया है, अभी मुझे आपको बताना है वैल्यूज के बारे में, यानी कि जो इनके एंगल्स होते हैं, एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, वो कल मैं आपको इसी के फाइनल एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे हम जो है पूरे आइडेंटिटीज के साथ साथ वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना वेरी सिंपल, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगन की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मुझे होप है आपको मेरा ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। और प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आता है मेरे समझाने के बावजूद, तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप जो है अच्छे से जो है मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है। बिकॉज मेरा एक ही मानना है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और अगर मैं चाहता हूं कि आप इससे कुछ सीखें, तो मैं यही चाह रहा हूं कि आपको इसमें जरूर सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीख पा रहे तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए आपकी क्या डिफिकल्टीज है। मैं जितना कोशिश करूंगा कि अपने हद तक, जहां तक आपको मैं हेल्प कर सकूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो प्लीज आप फिर एक बार आपसे बोलना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए अपनी स्टडीज के ऊपर। प्रीलिम्स एकदम नजदीक आ चुके हैं और कईयों के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। अब आपको पूरा के पूरा 10 स्टूडेंट जो है स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट, उनको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है, और हमें इस बार कुछ करके दिखाना है। एंड वी कैन डू इट। थैंक यू।